गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक यू इन लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि फाइनल टिप्स फॉर JEE एडवांस एग्जामिनेशन 2018। तो सबसे पहले हमारे जो भी पार्टिसिपेंट 2018 JEE मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं कि JEE मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सभी को पता है कि JEE मेंस एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में अब आने वाले हैं, ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है JEE मेंस एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए। तो आई हैव सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, सो लेट अस डिस्कस देम वन बाई वन कि हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे JEE मेंस के एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि तकरीबन मेरे ख्याल से 20 या 25 दिन के बाद ये एग्जाम आ जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं है इन एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरे सामने है वो है मैच योर डे टू डे टाइम टेबल। जी हाँ, आप अभी से अपने टाइम टेबल में सिंक्रोनाइजेशन बिठा लिए। डे टू डे टाइम टेबल मतलब कि जो आपका ऑर्डर है टाइम टेबल का वो एक ही होना चाहिए। बड़ा पेपर होता है और आपको पता है कि 9 बजे से तकरीबन ये पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो आपको जो 9 बजे से पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए और वो साइकोलॉजी और वो माइंड सेटअप जो है आपका फाइनल एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प करेगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर हम प्रॉब्लम्स के टाइप के बारे में बात करें कि JEE एडवांस में किस टाइप के प्रॉब्लम आया करती हैं, तो JEE एडवांस में जो प्रॉब्लम आती हैं वो होती हैं मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स लगाएं जिनमें एक ही प्रॉब्लम में मल्टीपल कंसेप्ट कवर हो रहे हों, कि जैसे कि आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कैलकुलस का पार्ट ले लें, तो कैलकुलस में कंडीशनल इंटीग्रेशन जो होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस भी लगा करती हैं, या स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेगमेंट को देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। लॉगरिथम की कंडीशंस, एक्सपोनेंशियल की कंडीशंस के बेस पर जो मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल कंसेप्ट टाइप के क्वेश्चंस हुआ करते हैं और वो आपको बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आप मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन करने से आपकी मेहनत कम लगेगी और आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, मतलब आपको वर्क कम करना पड़ेगा, लेस वर्क में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मोर होगा, आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। इसलिए आपको मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। वीक टॉपिक्स पर बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना चाहिए। ओके, आपको कोई भी नया टॉपिक या वीक टॉपिक है जो पे आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं देना है, इस पर आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है वीक टॉपिक्स के, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो टॉपिक आपके मजबूत हैं उन्हीं को आप अच्छे से फोकस करिए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप नया टॉपिक अब उठा रहे हैं तो ये समय नहीं है किसी नए टॉपिक के साथ एंटरटेन करने का, जो आपको मेहनत करनी थी आप कर चुके हैं, मेंस में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अब उसी पर बेस जो आपने वहाँ पे किया है उसको ही एडवांस लेवल में आपको पढ़ के जाना है। तो वीक टॉपिक पे मेहनत करने से बचें, वीक टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्मार्ट क्वेश्चन आने हैं और जो आपने वर्क कर रखा है उसी को आप बड़े लेवल पे, जिस टॉपिक को आपने पढ़ रखा है उन्हीं टॉपिक को आप बड़े लेवल पे ट्राई करिए और उन्हीं के क्वेश्चंस बनाइए। वीक टॉपिक पर ध्यान देने से आपके नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं, फायदे के चांसेस थोड़े कम समझ में आते हैं। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात जो है वो ये है कि सॉल्व एटलीस्ट 10 ईयर्स लास्ट पेपर्स, 10 ईयर्स लास्ट पेपर्स, लास्ट 10 ईयर पेपर्स। तो आपको 10 साल के कम से कम पेपर्स करके जाने हैं। 10 साल के यदि आप पेपर्स करके जाएंगे तो आपका एग्जाम पर बहुत अच्छा होल्ड हो जाएगा, आप एग्जैक्टली एक तरीके से पता लगा पाएंगे कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके के आने हैं। तो 10 सालों के आप क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से एक करके जाइए और 10 इयर्स के क्वेश्चंस करने के बाद आपका एग्जाम पर एक जबरदस्त ग्रिप बनेगा, जबरदस्त होल्ड बनेगा। अगर आप ये करके नहीं जा रहे हैं तो मेरी समझ में आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी आपकी पूरी नहीं है। तो
solve at least 10 years JEE advanced paper in exact timing. Yes, exact timing का यहाँ बहुत बड़ा रोल है. Exact timing, यहाँ पर टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके एग्जाम की जो टाइमिंग है, फिक्स लिमिट ऑफ टाइम आपको वहाँ पर दी जाएगी, तो इसलिए आप टाइमिंग का खास ख्याल रखें. और यदि हम अदर सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स में मैकेनिक्स पर क्वेश्चंस आने ही आ रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट से उस पर क्वेश्चंस बनते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया कवर करता है, तो उसको आप तैयार करके जाएं. और काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो, जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इन चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर रहता है. ऑप्टिक्स पर जरूर ध्यान दीजिए. छोटे छोटे चैप्टर्स की बजाय जो चैप्टर्स हैंडल होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं या बड़े चैप्टर्स हैं, उन पर आप जरूर ध्यान दीजिए. उनसे क्वेश्चंस, यकीनन उनसे क्वेश्चंस बनते हैं. हाँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करूँगा मैं यहाँ पर, कि केमिस्ट्री में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एनालिसिस किया है पेपर्स का, थर्मोडायनेमिक्स से हर बार, ऐसा कभी नहीं हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स से JEE एडवांस में क्वेश्चन ना हो. तो थर्मोडायनेमिक्स में आप जरूर पढ़ के जाएं, थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. और मैं टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री के बता देता हूँ. केमिकल बॉन्डिंग होती है, GOC होती है, पी ब्लॉक में कलर पूछा जाता है कि कौन सा क्या कलर होता है, उससे रिटेन थोड़े से कंसेप्ट होते हैं, तो वो आप इनऑर्गेनिक अच्छे से करके जाइए. पी ब्लॉक हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री का जरूर, क्योंकि उसमें जो स्टीरियोमर्स बनते हैं वो पूछे जाते हैं. पी ब्लॉक से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे. एरोमेटिक रिएक्शंस जरूर करके जाइए, एरोमेटिक रिएक्शंस आती हैं. और खासकर एक और बात जो बहुत जरूरी है, कि नेम रिएक्शन पर क्वेश्चंस जरूर आएगा, नेम रिएक्शन. ठीक है, लाइट, इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी नॉन एकेडमिक्स चीज़ों की. डेली थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करें, जो आपकी बॉडी को हल्का सा, क्योंकि वार्म अप भी होना जरूरी है, हल्की सी एक्सरसाइज करते रहें. 15 मिनट का टाइम आप दीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते जाइए. और मैं 15 मिनट का टाइम मैं बात कर रहा था मेडिटेशन के लिए, तो 15 मिनट्स आप मेडिटेशन को जरूर दीजिए. इससे आपका कंसंट्रेशन पावर इन 15 से 20 दिनों में बहुत अच्छा हो जाएगा. यदि आप 15 से 20 दिनों तक आप मेडिटेशन कंटिन्यूसली करते हैं, तो आपको मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा इंक्रीज़ हो जाएगा. वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम. सोशल मीडिया के एक्सपोजर से बचिए, जितना बच सकते हैं आप बचिए, क्योंकि इस समय आपका ये टाइम बहुत क्रिटिकल है. और इस टाइम पे यदि कोई क्रिएट निगेटिविटी आपके अंदर आती है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉस होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है. इसलिए सोशल मीडिया के एक्सपोजर से आप बचिए, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह में कम आप इन्वॉल्व रहें. देन बात करते हैं थोड़े से कि गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मई का महीने में एग्ज़ाम होता है, तो स्टे हाइड्रेटेड, टेक प्रॉपर स्लीप, नो रैंडम टाइमिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नो रैंडम टाइमिंग्स. अगर आप रैंडम टाइमिंग्स ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है. रैंडम टाइमिंग बिल्कुल नहीं, ओके. टेक प्रॉपर स्लीप, नो रैंडम टाइमिंग, ओके. देन एक पॉइंट और था, अवॉइड सोशल मीडिया एक्सपोजर. ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है. और एक लास्ट बात और है, कि कई पब्लिकेशंस अपने बुक की ब्रांडिंग, अपने बुक का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने बुक को अच्छा बताने के लिए, बहुत से ज्यादा इररिलेवेंट टॉपिक दे दिया करते हैं, बेवजह के टॉपिक जिनका कोई यूज नहीं है, नॉनसेंस टॉपिक को अपनी बुक्स में डाल दिया करते हैं. सो डोंट प्रैक्टिस इररिलेवेंट प्रॉब्लम दैट आर बियॉन्ड JEE लेवल. तो प्रॉब्लम्स जो JEE लेवल में हैं, वो आपको कैसे पता चलेंगी? वो आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा करके, या 5 साल के भी आप लगाएंगे, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो आप उन बुक्स के चक्कर में मत पड़ें, वो बुक्स अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, मार्केट में ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए उसमें नॉनसेंस क्वेश्चन डालते हैं, तो आप उन बुक्स को मत करें, उनके चक्कर में मत आएं. जो आपका नेचुरल प्रैक्टिस है, जो IIT पूछता है, आप उसको करें. तो यहाँ पर मैंने एक बात लिख दी है, कि टेक प्रॉपर स्लीप, नो रैंडम टाइमिंग. रैंडम टाइमिंग का मतलब ये है कि आप जो पैटर्न बना रहे हैं, अपनी दिनचर्या सेट कर रहे हैं, उसी को इन 20 से 25 दिनों में फॉलो कीजिए.
अगर आप रात को लेट तक जगना शुरू कर रहे हैं और यदि उसका प्रभाव लास्ट तक रह गया तो आपका मॉर्निंग टाइम का जो स्टडी का सिनेरियो है वह बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो ये आप क्योंकि मेंटल सेटअप डिसाइड करने वाले आप नहीं होते हो, बॉडी तो काम करती है ना, तो बॉडी अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। इसलिए एक टाइम टेबल बनाओ कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, लेट नाइट स्टडी अवॉइड करो, क्योंकि आप एंड तक यदि वो कंटिन्यू करोगे तो फिर आप चाहोगे भी तो फिर वो आपके रूटीन में नहीं आएगा। इसलिए वही टाइमिंग फॉलो करो और 9 बजे से पेपर स्टार्ट होता है तो 9 बजे से आप पढ़ाई करने बैठ जाओ और टाइमिंग का ध्यान रखो, क्वेश्चन पेपर लगाओ और उनके आंसर्स मैच करो फिर सोल्यूशन से देख करके कि सही है या नहीं है, ये तो आप करते ही होंगे। ओके, तो ये मेरी जानकारी थी मेरे हिसाब से टिप्स फॉर बिफोर JEE एडवांस एग्जामिनेशन। और भी यदि किसी प्रकार की आपको ज़रूरत है, किसी चीज़ पर टिप्स चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में आकर के आप ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए मुझ में ज़रूर शेयर कीजिए कि कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये ज़रूरत है। लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।